प्लांट लवर्स, हियर इज राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं क्रिसैंथेमम के साथ आया हूँ। आज हम क्रिसैंथेमम की डेड हेडिंग करेंगे। जितने भी ड्राइड फ्लावर्स हैं हम उसे निकाल देंगे ताकि आने वाले फ्लावर्स को स्ट्रेंथ मिले ब्लूम करने के लिए। ये प्लांट 2 साल पुराना है। इस प्लांट को मैंने मानसून से ट्रेन किया हुआ है, इसीलिए ये प्लांट इतनी अच्छी फ्लावरिंग दिया है। इसकी नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए हम इसके ड्राइड फ्लावर्स निकाल देते हैं और इसकी जो नए आने वाले बर्ड्स हैं उसको स्ट्रेंथ मिलेगा और फ्लावरिंग करने के लिए, और प्लांट खूबसूरत भी दिखेगा जब आप ड्राइड फ्लावर्स निकाल देंगे तो। सो लेट्स बिगिन। प्रून चालू करने के पहले आप अपने प्रूनिंग टूल को क्लीन कर सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से ताकि प्लांट इन्फेक्ट ना हो। सो वी आर क्लीनिंग द टूल बिफोर प्रूनिंग। सो जितने भी ड्राइड फ्लावर्स है हम धीरे धीरे एक एक करके इसे निकाल देंगे। आप 1 इंच के अराउंड इसे प्रून करके निकाल सकते हैं। जब आप प्लांट के ड्राइड फ्लावर्स निकाल देंगे तो नए जो बर्ड्स हैं उन्हें स्ट्रेंथ मिलेगा सही से ब्लूम होने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जब आप प्लांट ग्रो करते हैं। और जब आप प्रून भी कर रहे हैं तब एक और चांस बनता है कि और ब्रांचेस आए। अगर और ब्रांचेस आएंगे तो फ्लावरिंग भी और होगी। इसी के साथ साथ हम कुछ ड्राइड स्टेम्स भी रिमूव कर देंगे जो अनहेल्दी है। मैंने इस प्लांट को 2 साल से बचा के रखा हुआ है। जब भी विंटर ख़त्म होता है, स्प्रिंग चालू होता है, आप इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो प्लांट है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अच्छे बढ़ते हैं और ब्लूम करते हैं। ज़्यादातर तो ये ठंडी में ही अच्छा बढ़ते हैं और ब्लूम तो ये ठंडी में ही करते हैं। अगर ग्रोथ की बात करें तो ये मानसून में भी अच्छा खासा बढ़ते हैं। मानसून में जब भी पानी गिरे आप इस प्लांट को बाहर रख सकते हैं जहाँ पे इसे अच्छा खासा रेन वाटर मिले। रेन वाटर से ये अच्छा ग्रो करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप इसे मानसून से ट्रेन कर सकते हैं अगर आप इसे बचा के रख लें विंटर के बाद। विंटर के बाद आप इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। समर के टाइम में बाकी प्लांट से सराउंड करके आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रख लीजिए तो ये बचे रहते हैं। मैंने माय प्लांट कलेक्शन वीडियो में ये प्लांट दिखाए थे क्रिसैंथेमम के, कि मैंने कैसे रखा हुआ है इनडायरेक्ट सनलाइट में। अगर ये समर सर्वाइव कर लेते हैं तो ये मानसून से रिवाइव करते हैं और शूट करना चालू करते हैं। जब विंटर आने लगे आप इस प्लांट को धीरे धीरे डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा आप इसे, इसका जो ड्यूरेशन है डायरेक्ट सनलाइट का, वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरू में 1-2 घंटे से लेके आप इसे 5 to 6 to 7 hours दे सकते हैं अगर टेम्परेचर अच्छा खासा नीचे आ गया है तो। इसे डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है अच्छी ब्लूमिंग के लिए। प्लांट्स के फ्लावर निकालते निकालते मैंने ये देखा है कि इस प्लांट में थोड़े बहुत मिली बग दिखे हैं और वाइट फ्लाइज भी दिखे हैं। एज़ पर मुझे मिली बग और वाइट फ्लाई दिखा है, मैं इस पर फंगीसाइड प्लस इंसेक्टीसाइड आखिरी में स्प्रे करूँगा जो बग्स को रिमूव कर देगा और प्लांट को हेल्दी रखेगा। आप 1 tablespoon फंगीसाइड ले सकते हैं और उसमें 3 to 4 ml ऑफ इंसेक्टीसाइड मिक्स कर सकते हैं। आप 800 ml या फिर 1 liter ऑफ वाटर में इसे मिला सकते हैं। उसके बाद आप प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। एक सजेशन ये है कि आप ग्लव ज़रूर पहनिए, विच विल प्रोटेक्ट यू। आफ्टर स्प्रेइंग प्लांट इज रेडी फॉर नेक्स्ट ब्लूमिंग। So this was the maintenance of chrysanthemum. Hopefully you liked the video. Thank you for watching. Keep gardening.